दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि अमेरिका का नजारा है जहां लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। ये लोग ना ही ढंग से चल पा रहे हैं, ना ही ढंग से बैठ पा रहे हैं और इनका शरीर सड़ने लगा है। यहाँ तक कि जो कोई भी इनके संपर्क में आ रहा है उसका भी यही हाल होता जा रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका के लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं? क्या ये दुनिया के खत्म होने का इशारा है? क्या इसका असर भारत में भी होगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों अब तक आप लोगों ने कई सारे ज़ॉम्बी वाली फिल्में देखी होंगी जिसमें लोग पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, दूसरों को मारने लगते हैं, नोचने लगते हैं और जिस किसी को भी ये काट लेते हैं उसके शरीर में भी इनका वायरस फैल जाता है और वो भी पागल होकर लोगों को काटना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सब कुछ तबाह हो जाता है। कई फिल्मों में तो ऐसे भी ज़ॉम्बी दिखाए जाते हैं जो गोली चलाने से भी नहीं मरते, जबकि कुछ फिल्मों में उन्हें मार दिया जाता है। पर अमेरिका में जो ज़ॉम्बी नजर आ रहे हैं उनके पीछे कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं बल्कि एक दवा है। जी हाँ, ज़ाइलाज़ीन नाम की एक ऐसी दवा जो अमेरिका में लोगों को इस हाल पर ले आई है जिसके वीडियोस देखकर ही दुनिया भर के लोग के होश उड़े पड़े हैं और लोग खौफ में आ गए हैं कि कहीं वो भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये ज़ाइलाज़ीन दवा क्या है और इसे क्यों बनाया गया है? तो दोस्तों ये कोई कंट्रोल्ड सब्सटेंस नहीं है और इसे इंसानों के इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। इसका इस्तेमाल जानवरों पर सेडेटिव के तौर पर किया जाता है, यानी कि उन्हें बेहोश करने के लिए या फिर दर्द को कम करने के लिए या मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये दवा दी जाती है। और अगर हम इंसानों की बात करें तो जैसे ही ये दवा हमारे शरीर में जाती है या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खत्म करने लगती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, यहाँ तक कि आपके दिल में भी दिक्कत आ सकती है। और अगर किसी ने इसे ज्यादा मात्रा में ले लिया तो कुछ ही देर में उसकी मौत भी हो जाती है। यानी कि ये दवा न केवल इंसानों को ज़ॉम्बी बना रही है बल्कि उन्हें मौत के घाट भी उतार रही है। लेकिन इस दवा को इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया है दोस्तों, इसे तो घोड़ों और गाय जैसे जानवरों को देने के लिए तैयार किया गया है ताकि दवा के असर से वो कुछ पल के लिए बेहोश हो जाए या फिर उनका दर्द कम हो सके। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा था कि कैसे तेंदुआ घरों में घुस आया था, उसे हटाने के लिए बेहोश किया गया और उसमें भी इसी तरह की नशे वाली दवाइयों का इस्तेमाल हुआ था। अब जानवर जब इस दवा को लेता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद उसे कहीं भी लाया जा सकता है। उसके साथ दोस्तों कुछ भी किया जा सकता है, जब तक जानवर के शरीर में इस दवा का असर रहेगा तब तक उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा और वो पलट कर वार नहीं कर सकता है। और ऐसा ही कुछ हाल अमेरिका के लोगों का भी देखने का मिल रहा है जो जाग रहे होते हैं लेकिन फिर भी बेहोश होते हैं क्योंकि उनका दिमाग सो चुका होता है और पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। अगर आप उनके साथ कुछ भी करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के लोग ज़ॉम्बी हो रहे हैं। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी होने का ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को काट रहे हैं या उनका खून पी रहे हैं, उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ अभी तक फिल्मों में ही होता आ रहा है दोस्तों, लेकिन असलियत में भी ये हो सकता है क्योंकि जब एक दवा खाने से इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है तो ज़ॉम्बी बनकर वो किसी को काट भी तो सकता है। लेकिन चिंता करने की दोस्तों कोई बात नहीं है क्योंकि अमेरिका में ये जो ज़ॉम्बी घूम रहे हैं वो किसी को भी काटते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उनके संपर्क में आए तो आप भी उनकी तरह ज़ॉम्बी बन जाएंगे क्योंकि ज़ाइलाज़ीन बिल्कुल अफीम की तरह काम करती है। जैसे कि अफीम लेने के बाद इंसान का दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है या फिर कह लीजिए कि बंद हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो अपनी ही दुनिया में मगन होता है और कुछ भी करता है। ऐसा इस दवा को लेने के बाद भी होता है क्योंकि जब ये दवा इंसान के शरीर में जाती है तो वो अपने कपड़े उतारने लगता है, हाथ पैर ढीले करके पागलों की तरह चलता है। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि जो कोई भी ज़ॉम्बी बनता है उसकी स्किन में घाव होने लगते हैं और ये जो घाव होते हैं ये ठीक नहीं होते बल्कि समय के साथ और भी ज्यादा खराब स्थिति में आ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर सड़ने लगता है। और कहा जा रहा है कि ये चीज एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत ही तेजी से फैलती है, यानी कि अगर किसी एक को इस दवा ने ज़ॉम्बी बना दिया तो वो अपने आसपास के और 10 लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है और फिर सब के सब सड़कों पर, घरों में इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे कि वो मर चुके हैं और उनके अंदर किसी भूत का साया आ गया है। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, इसका कोई होश नहीं रहता। ज़ॉम्बी होने का ये मतलब नहीं है कि आप खतरनाक हो जाएंगे बल्कि आप दोस्तों दिमागी रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो लोग भी ज़ॉम्बी बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के साथ अमेरिका में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दिमाग पूरी तरह से मर चुका होता है और शरीर अपने आप ही चलने लगता है और अब तो हजारों लोग इस दवा के कारण मर गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जानवरों को बेहोश करने के लिए दी जाने वाली दवा आखिर अमेरिका के लोगों के खून में क्यों दौड़ रही है और क्यों वहाँ के लोगों को ज़ॉम्बी बनाती चली जा रही है।
तो जैसा कि हमने आपको बताया, ज़ाइलाज़ीन का असर अफीम की तरह होता है और उसी के नशे को काटने के लिए अमेरिका में लोगों ने इस दवा को लेना शुरू कर दिया। पहले पहले तो उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि नशा जैसे ही बढ़ रहा था उनका दिमाग वैसे ही शांत होता जा रहा था। इसका प्रभाव बेहोशी वाली दवा की तरह ही होता है। जो कोई भी इसे लेता है उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और इसे खाने वाला धीरे धीरे नींद की चपेट में जाने लगता है। पर जब लोग इस दवा का ज्यादा सेवन करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। 3-4 बार अगर किसी ने इस दवा का इस्तेमाल कर लिया तो शरीर में जख्म भरने लगते हैं और बार बार इस दवा के इस्तेमाल से वो जख्म बढ़ते चले जाते हैं, जो कुछ ही समय में इतने खतरनाक हो जाते हैं कि अगर किसी इंसान की जान बचानी है तो शरीर का वो वाला हिस्सा काटना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ये दवा सबसे पहले फिलाडेल्फिया में पाई गई, जिसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस से होते हुए पूरे अमेरिका में पहुंच गई और अब इसकी खपत लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। जहाँ इस दवा को लेते ही लोग ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करने लगते हैं, जिसे आप साफ साफ देख सकते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि अस्पतालों में ज़ाइलाज़ीन का कुछ खास परीक्षण नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई क्लासिफाइड दवा या फिर नशीला पदार्थ तो है नहीं जिसके ऊपर डॉक्टर घंटों रिसर्च करेंगे। इसे तो जानवरों को बेहोश करने के लिए बनाया गया था, ताकि उनके दर्द में आराम मिल सके या फिर बेकाबू हुए जानवरों को काबू में किया जा सके। पर लोगों ने इसे ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से सारी दिक्कतें बढ़ने लगी। कहा जाता है कि अगर ज़ाइलाज़ीन को दूसरे नशीले पदार्थों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से शरीर में काम करती है। ये जो सड़कों पर आपको लोग लूटते पोटते दिख रहे हैं, इनका ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ज़ाइलाज़ीन को अलग अलग तरह के ड्रग्स के साथ इस्तेमाल किया और अब नतीजा ये है कि उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका है। कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि इस दवा का ओवरडोज चाहे जिस भी रूप में आए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये एक ड्रग महामारी भी बन सकती है। क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो लोग जाने अनजाने में दूसरे ड्रग्स के साथ इसके ओवरडोज का शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद कोई शारीरिक रूप से तो कोई मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। ऐसे में देश का स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना होकर इन ड्रग्स से प्रभावित लोगों की देखरेख और इलाज करवाने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इसके फैलने का खतरा बना है, क्योंकि इस दवा के ओवरडोज के कारण लोगों की स्किन सड़ने लगती है और अगर उसमें से निकलने वाला पानी किसी दूसरे की स्किन में पहुंच जाए तो उसके शरीर में भी सड़न शुरू हो जाती है। इसी तरह ये दवा लोगों को बीमार करती जा रही है। हालांकि स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के लोगों के ज़ॉम्बी बनने का खौफ अभी भी बना हुआ है। आप खुद ही सोचिए ना, जब एक बेहोश करने वाली दवा लोगों का ये हाल कर सकती है तो अगर कोई ऐसा वायरस आ गया जो लोगों को फिल्मों वाला ज़ॉम्बी बना देगा तो दुनिया का क्या हाल होगा। दोस्तों, क्या फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजें सच में होने लग जाएंगी? क्या अपने ही अपनों को काटने लगेंगे? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और संग में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।